फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रहा था शेखुपुरा, तो मैं जब भी शेखुपुरा रोड से गुजरता हूँ या फैसलाबाद वाली साइड पे जाता हूँ तो खानपुर नहर पे रोज़ स्टे करता हूँ। बहुत खूबसूरत नहर है ये और बहुत बड़ी नहर है खानपुर नहर। यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो फ़िश और पकौड़े हैं। दोनों साइडों पर नहर के बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर खाना मिलता है। तो मैं तो जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो यहाँ से थोड़ी पेट पूजा कर ली जाती है। तो मेरी सजेशन है आपको भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होता है और क्या क्या खाने को मिलेगा आपको। तो जब भी शेखुपुरा रोड से गुजरें और यहाँ पे ना रुकें तो कोई फ़ायदा नहीं है शेखुपुरा रोड से गुजरने का। तो जब भी यहाँ से गुजरें खानपुर नहर याद रखें, खानपुर नहर पर बैठ के फ़िश और पकौड़े ज़रूर खाएँ। तो आपको दिखाता हूँ आगे चल के, मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। अगर आपने स्पेशल कभी पकौड़े खाने आना हो यहाँ पर तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इस वीडियो के एंड पर मैं आपको रास्ता भी दिखा दूंगा कि आपने किस तरीके से यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर जितना भी खाना तैयार किया जाता है वो लकड़ियाँ जलाकर किया जाता है और इसी वजह से यहाँ के खाने का टेस्ट ही कुछ अनोखा है। ये देखें आप, सारा काम अपने हाथों से किया जाता है यहाँ पे। इसी वजह से आपको खानों का बेहतरीन जायका यहाँ पे मिलता है। क्या क्या खिलाते हैं आप स्पेशली? ये सर क्या क्या है यहाँ पे मेन्यू में? क्या पकौड़ा आता है, फिश होती है, सादा पकौड़ा आता है, ठीक है, लेग पीस है, पनीर टिक्की, आलू टिक्की, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक है, कुल्फी वगैरह। पकौड़े तैयार होने वाले हैं, इसके बाद आपको बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं। ये देखें आप, स्पेशल रोहू मछली। अगर आप फिश का शौक रखते हैं तो खानपुर नहर पर आकर फिश का मजा जरूर लें। इतनी फ्रेश और टेस्टी फिश आपको खानपुर नहर पर ही मिल सकती है। ये देखें, जबरदस्त फ्रेश एंड टेस्टी फिश रेडी है। यहाँ पर एक केजी फिश का जो रेट है वो 800 पर केजी है। ये देखें फ्राइड चिकन। आपने बहुत से ब्रांड्स के फ्राइड चिकन खाए होंगे, कभी ये भी खाकर देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। जी फ्रेंड्स, तो ये जैसा कि आपने देखा यहाँ पे फिश बेहतरीन किस्म की लग रही है। नीचे दरिया से फिश निकालते हैं, ताज़ा रोहू मछली और बेहतरीन फिश टिक्का और चिकन टिक्का और बेहतरीन पकौड़े। तो यहाँ पे फिर कुछ पेट पूजा करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू। वाह जी वाह, ज़बरदस्त चिकन टिक्का। Thank you.
मज़ेदार चटपटी चीज़ें खाने के बाद अगर स्वीट डिश का दिल करे आपका तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। आए आपको कुल्फी खिलाते हैं। हाँ आपको मैं बता दूं कि आपने खानपुर नहर पर कैसे जाना है। खानपुर नहर जाने के लिए आप M2 पे आ जाएं मोटरवे पर। और कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज से आप एग्जिट ले लें। कोट अब्दुल मालिक टोल प्लाजा से आप एग्जिट ले लें। रावी टोल प्लाजा से कोट अब्दुल मालिक का जो टोल टैक्स है वो 50 रुपीज है। और अब हम पहुंच गए हैं शेखुपुरा रोड पर। यहां से आप लेफ्ट टर्न लें और जो पहला यू टर्न आएगा वहां से आपने यू टर्न ले लेना है शेखुपुरा की तरफ। यहाँ से आप यू टर्न ले लें शेखुपुरा की तरफ। शेखुपुरा रोड पर पहला टोल प्लाजा आएगा। यहाँ पर भी आपने 40 रुपीज पे करने हैं। ठोकर न्याल बेग से खानपुर नहर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है और आप 25 मिनट्स में आसानी से खानपुर नहर पहुँच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।
पाकिस्तान के किसी नए टूरिस्ट पॉइंट के साथ आपके साथ फिर किसी दिन इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।